तो चलिए सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रैंड आईसीटी चैलेंज टू क्रिएट इनोवेटिव मॉड्यूलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू डेवलप ए स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम टू बी डिप्लॉयड एट द विलेज लेवल। सो इट वॉज लॉन्च बाय नेशनल जल जीवन मिशन इन पार्टनरशिप विद। तो ये ग्रैंड आईसीटी चैलेंज जो है ये चलाया जा रहा है अभी, तो इसका जो मेन मकसद है वही है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशंस डेवलप करना है स्मार्ट वाटर सप्लाई के मामले में। ओके, तो उसकी यहाँ पर पूरी तरीके से मेजरमेंट करनी है, मॉनिटर करना है कि वाटर सप्लाई सही मायने में हो पा रही है, डिप्लॉय हो पा रही है विलेज लेवल पर के नहीं। ओके, तो भारत सरकार का देखो अलग से यहाँ पर जल जीवन मिशन भी चल रहा है कि जिसका टारगेट 2024 तक का है, कि 2024 तक जो है भारत के जितने भी गाँव है तो सभी गाँव एरिया में जो है टैप वाटर सप्लाई जो है उसकी सुविधा प्रोवाइड करनी है। तो अभी इस ग्रैंड आईसीटी चैलेंज को लॉन्च किया गया है नेशनल जल जीवन मिशन के द्वारा, लेकिन एक और ऑर्गेनाइज है यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है और पार्टिसिपेशन बीच में है, तो वो कौन सी है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड ऑप्शन डी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो बहुत बहुत सिंपल आंसर है। तो क्या आंसर लग रहा है? ऑप्शन ए आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, क्योंकि वाटर सप्लाई के मामले की बात है तो जल शक्ति ही आंसर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। ओके, तो नेशनल जल जीवन मिशन जो है ये अभी जो जिस पार्टनरशिप के तहत ये ग्रैंड आईसीटी चैलेंज चलाया गया है ना, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ओके, तो ग्रैंड आईसीटी चैलेंज। ओके, तो यहाँ पर ना अवेयरनेस फैलानी है, इनोवेशन सोल्यूशन निकाले, तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला मंत्रालय काम आएगा। ओके, तो अगर पर्टिकुलरली बात करें जल जीवन मिशन की ना, तो वो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत चलता है। ओके, लेकिन ये अगर ग्रैंड आईसीटी चैलेंज की बात करें तो यहाँ पर वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज, शॉर्ट फॉर्म में स्केल। ओके, तो ये एक तरह की इंडिया एंड्रॉयड ऐप है। ओके, स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप इसको बोलते हैं, हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन डी लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। तो बताइए किसके द्वारा जो है ये जो स्केल इंडिया एंड्रॉयड ऐप है ये लॉन्च की गई, जिसके जिसके फलस्वरूप जो है यहाँ पर स्किल जो है स्किल डेवलपमेंट की जाएगी, खासतौर पर जो लेदर एम्प्लॉयज है उनके मामले में। तो यही जो लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर बात कर रहे हैं स्लाइड नेक्स्ट 20। ओके, इज ए नेवल एक्सरसाइज हेल्ड रिसेंटली बिटवीन नेवल फोर्सेस ऑफ, ऑप्शन ए इंडिया श्रीलंका, ऑप्शन बी इंडिया सिंगापुर, ऑप्शन सी बांग्लादेश एंड म्यांमार, ऑप्शन डी इंडिया एंड ईरान। तो कौन से दो मुल्कों की यहाँ पर जो नेवल फोर्सेस है जिनके बीच में स्लाई नेक्स्ट नाम की जो एक्सरसाइज है वो होती है? तो ये नाम से भी बहुत कुछ पता चल जाता है जो हमने स्लाई नेक्स्ट ऊपर रखा हुआ है। स्लाई नेक्स्ट 20 की बात करें कि 2020 में जो एक्सरसाइज हुई है वो अभी एक किन किन मुल्कों के बीच में हुई, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो एस एल से श्रीलंका है, आई एन से इंडिया है, ई एक्स का मतलब है एक्सरसाइज। ओके, तो स्लाइनेक्स जो है इसका नाम है, आप शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हो। तो अभी दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है कि जो लेटेस्ट एडिशन हुआ है 2020 वाला, ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है त्रिनकोमाली श्रीलंका में। तो श्रीलंका में ये वाला जो लेटेस्ट एडिशन स्लाइनेक्स का हुआ है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14, साधना पास प्रीवियसली कॉल्ड एज नाचन पास, ओके, इज ए माउंटेन पास इन, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, साधना पास न्यूज में है, तो यहाँ पर ये एक्चुअली अभी नया नाम इसका दिया गया है, पहला इसका नाम यहाँ पर था नास्ताशून पास। ओके, नास्ताशून पास, तो अभी ये कहाँ पर पड़ता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। और आगे है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय आजीविका मिशन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय, तो राष्ट्रीय जो आजीविका मिशन है ये किसके द्वारा, कौन से मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक्चुअल में किसके द्वारा, ये जो किस मंत्रालय के द्वारा जो है इस आजीविका मिशन को लॉन्च किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया? देखिए इस मिशन के तहत क्या करना है कि जो रूरल पुअर वोमेन है ना, तो उसको यहाँ पर जो है ट्रेन करना है, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में उसको यहाँ पर जो है तब्दील करना है कि खुद से वो जो है अपनी आजीविका ढूंढे। ओके, और इस तरीके का सिनेरियो जो है गांव देहात के इलाके में बनाना है और वो आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पर आजीविका उनको प्रदान करनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए खुद से। ओके, खुद से यहाँ पर उनको लीड करें, खुद से यहाँ पर काम ढूंढे,
और आपस में काम बांटे, जितने भी ग्रुप इनका बने, ओके, तो इस तरीके से वो आगे बढ़े। इसी चलते यहाँ पर जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, तो इसके तहत यहाँ पर इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह भी जो है प्रोवाइड की जाएगी जो रूरल पुअर वोमेन है। ओके, तो ये वाला जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, तो इसके तहत बहुत सारी सब स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है फायदा पहुंचाया जाएगा जो गाँव की जो औरतें हैं उनको। ओके, तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इनको मिलेगी, तो वो भी यहाँ पर मिलेगी जो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, तो उसके तहत मिलेगी। तो कौन से मंत्रालय के तहत ये सारा काम होगा? ओके, क्या यहाँ पर ये लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वाला मंत्रालय आएगा, या फिर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आएगा, यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट आएगा? तो जो सही आंसर वो क्या है, आपको क्या लग रहा है? ओके, तो आपको शायद ये वाला ऑप्शन सी लग रहा होगा, लेकिन ये गलत है। आपको शायद ऑप्शन डी लग रहा होगा, ये भी गलत है। जो ऑप्शन बी है ना, वो इसका सही आंसर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और आगे है क्वेश्चन नंबर 16। यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फर्स्ट ब्लास्टिंग फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क एट द जोजिला पार्क, जोजिला टनल, सॉरी, दैट विल प्रोवाइड ऑल ईयर कनेक्टिविटी बिटवीन। तो हाल ही में जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो उनके द्वारा एक पहली ब्लास्टिंग की गई है, एक नया यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन काम शुरू किया गया, एक जोजिला टनल नाम है। ओके, एक तरह की टनल बनाई जाएगी ये। तो यहाँ पर ये कौन से इलाकों को आपस में जोड़ेगी? यहाँ पर ऑल वेदर ऑल ईयर कनेक्टिविटी रहेगी। ओके, तो अभी के लिए क्या होता है कि अभी इस टनल में जितनी भी कनेक्टिविटी रहती है तो कुछ सीजनल रहती है। ओके, जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो फिर रास्ता बंद हो जाता है, फिर कनेक्टिविटी टूट जाती है, खासतौर पर जो द्रास वाला एरिया है उसके साथ, कारगिल वाला इलाका है उसके साथ। ओके, तो अभी आपको आंसर देना है कि कौन सी जगह से लेके कौन सी जगह तक यहाँ पर जो कनेक्टिविटी होगी। ओके, तो ऑप्शन ए धर्मशाला एंड मुगलौरगंज, ऑप्शन बी श्रीनगर वैली एंड किश्तवाड़, ऑप्शन सी कुल्लू एंड मनाली, ऑप्शन डी श्रीनगर वैली एंड ले। तो अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन सुना होगा, मैंने वहां पर द्रास नाम का यहाँ पर जगह का जिक्र किया था, तो द्रास कहाँ पर पड़ती है? ओके, तो अगर आपको वो पता होगा तो आपको आंसर भी इसका जो है पता चल ही जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके, श्रीनगर वैली से ले तक यहाँ पर जो है ये रोजिना टनल जो है यहाँ पर जो है जोड़ेगी। ओके, इन एरियाज को आपस में जोड़ेगी और यहाँ पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टनल इतनी लंबी जाएगी। ओके, श्रीनगर से लेह तक सिर्फ ये दो इलाके हैं जिनको आपस में जोड़ने का काम करेगी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। ओके, हर मौसम में जो है ये पर काम जो है गाड़ियां जो है चल सकती हैं। और जो धर्मशाला और जो मैक्लोडगंज है, ये दोनों हिमाचल के एरियाज हैं। ओके, श्रीनगर वैली और किश्तवाड़, ये भी किश्तवाड़ या जो रीजन है, ये भी जम्मू कश्मीर का ही रीजन है। कुल्लू और मनाली, ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश के रीजन है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17। द थर्ड असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज हेल्ड वर्चुअली रिसेंटली, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द असेंबली। तो अभी हाल ही में तीसरी असेंबली हुई है आईएसए की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसका की हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ओके, इंडिया में है। तो अभी इस असेंबली में किसको यहाँ पर, कौन से मुल्क को जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट चुना गया इस असेंबली का? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी स्पेन। तो चारों में से सही आंसर क्या है? जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी इंडिया। इंडिया को प्रेसिडेंट चुना गया है, और वाइस प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, क्योंकि फ्रांस को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18। महिला किसान दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन, ऑप्शन ए 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 18 अक्टूबर, ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। चारों में से एक आंसर सही है, तो कौन सा वाला सही है? महिला किसान दिवस कौन से दिन को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो नाम याद रखिएगा, इसका जो डेट है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 15 अक्टूबर को हर साल जो है महिला किसान दिवस जो है हम सेलिब्रेट करेंगे। और इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशन है वो भी जो है इसी दिन को 15 अक्टूबर को जो है यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन के तौर पर भी इस दिवस को मनाता है, और इसी दिवस को हम भारत में जो है यहाँ पर महिला किसान दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19। ईट राइट मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इन 2018। द मूवमेंट एम्स टू कट डाउन साल्ट, शुगर एंड ऑयल कंजप्शन बाय, ऑप्शन ए 30% इन 3 ईयर्स, ऑप्शन बी 30% इन 2 ईयर्स, ऑप्शन सी 20% इन 3 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 20% इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पर जो ईट राइट मूवमेंट जो कि FSSAI के द्वारा जो 2018 में चलाया गया था, इसका मेन मकसद क्या था? यहाँ पर साल्ट, शुगर और जो ऑयल कंजप्शन की मात्रा को कम करना है, जो डेली कंजप्शन हम करते हैं उसमें, यहाँ उस मात्रा में कम करना है। तो आने वाले कितने सालों में कितने प्रतिशत तक कम करना है? तो कौन सा आंसर जो है सही है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने, तो सही आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर है वो क्या है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 30% इन 3 ईयर्स। और आगे है क्वेश्चन नंबर 20, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय, तो ये ऐसा इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ऑप्शन बी हरियाणा गवर्नमेंट, ऑप्शन सी दिल्ली गवर्नमेंट, ऑप्शन डी राजस्थान गवर्नमेंट। तो कौन सा आंसर सही है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ इनिशिएटिव, तो ऐसा इनिशिएटिव हाल ही में एक सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो कौन सी ये सरकार है, किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था कि जो पोल्यूशन है उसके ऊपर जो है कंट्रोल कर सके? तो कहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है? तो दिल्ली में है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा ही ये वाला इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा एक कैंपेन चलाई जा रही है जिसका नाम है युद्ध पोल्यूशन के विरुद्ध। ओके, तो इस तरीके से एक कैंपेन है जिसके तहत जो है ना, जो दिल्ली सरकार जो कह रही है वो ये कह रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा व्हीकल जो है वो रजिस्टर्ड है। ओके, तो दिल्ली सरकार के तहत, जिसके तहत अगर ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल आता है, रेड लाइट होती है, अगर गाड़ी बंद करते हैं, 10 लाख की यहाँ पर बात करेंगे, अगर 10 लाख के जनरेशन बंद होते हैं ना, तो यहाँ पर कुछ समय के लिए शायद शायद ये बंद हो, कि जब जब तक रेड लाइट ऑन है तब तक ही इनको यहाँ पर जो है ना अपना जनरेशन इंजन वगैरह बंद करना है। ओके, तो इतने टाइम पे ही जो है कितना फायदा होगा? तो दिल्ली सरकार कह रही है कि 1.5 टन जो है ना यहाँ पर पर्टिकुलर मैटर जो टेन है ना, PM10, तो वो जो है रिड्यूस हो जाएगा। ओके, इतने यहाँ पर पैमाने पर 1.5 टन जो है, अगर सिर्फ इतने मामले में ही अगर 10 लाख के आसपास गाड़ियां एक टाइम पे अगर रेड सिग्नल पर अपनी गाड़ी को ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, तो इतना बड़े पैमाने पर जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, 1.5 टन यहाँ पर जो है पर्टिकुलर मैटर 10 की बात कर रहे हो, कि PM10 की बात करें, और 0.4 टन जो है वो जो पर्टिकुलर मैटर 2.5 वो रिड्यूस हो सकता है अगर 10 लाख गाड़ियां जो है अपना इंजन ऑफ करती हैं रेड सिग्नल पर आकर।